ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में सीबीआई ने बुधवार को 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें गिरफ्तार होने वाले 3 रेल कर्मी भी शामिल है। यह जानकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने दी है। जब उनसे अफसरों के सस्पेंड होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर ये अधिकारी सतर्क होते तो हादसा नहीं होता। 7 जुलाई को सीबीआई ने 3 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल थे। तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों की लापरवाही के कारण ही हादसा हुआ। सूत्रों का यह भी दावा है कि तीनों आरोपी जानते थे कि उनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। रेल हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हादसे की जांच सीबीआई कर रही है। एक जांच रेलवे बोर्ड की ओर से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी की है। 3 जुलाई को सीआरएस ने 40 पेज की रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक लेवल क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग की वजह से ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी हुई जो हादसे का कारण बनी। क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स में तारों की गलत लेबलिंग के बारे में सालों तक मालूम ही नहीं चला। मेंटेनेंस के दौरान भी इसमें गड़बड़ी हुई। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।